नौकार ज्वेलर्स के मालिक को फोन पर दी धमकी, मांगी 50,000 की फिरौती। तीन लोगों पर मामला दर्ज कोतवाली थाने पर। मंदसौर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा रविवार को 1:50 पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नौकार ज्वेलर्स के मालिक द्वारा कोतवाली थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि फोन पर फिरौती 50,000 की मांगी गई है, जिस पर पुलिस ने जानकारी निकाली, जिसमें पता लगा कि वहीं पर काम करने वाले कर्मचारी ने अपने अन्य दो लोगों के साथ मिलकर यह धमकी फोन पर दी है और 50,000 की फिरौती मांगी गई है। जिस युवक पर फिरौती मांगने का आरोप लगा है, उस पर पहले भी चोरी का मामला दर्ज है। तीनों लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। तीनों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि जिस युवक ने फिरौती मांगी है, उसने किसी का फोन उठाकर यह फोन पर धमकी फिरौती की मांगी है और कहा कि पैसे नहीं दोगे तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा। जिस युवक ने फिरौती मांगी है वही काम करता है और उसी मालिक को फोन पर धमकी दी और फिरौती मांगी, और पहले भी दुकान पर कई बार चोरी कर चुका है, इसीलिए दुकान के मालिक द्वारा उस लड़के को काम से निकाला गया है। जी हाँ, नवकार ज्वेलर से उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि टेलीफोन पर उनको धमकी दी गई है कि पैसे दे दिए जाएं अन्यथा उनका आहत कर दिया जाएगा। उस पर एक मामला दर्ज किया गया था, उस मामले को ट्रेस किया गया है। तीन विधि विरुद्ध बालक हैं, नाबालिग। उनके द्वारा एक मोबाइल फ़ोन किसी अन्य का था जो उन्होंने उठा लिया था, उन्हें मिला था, उससे उनको फ़ोन करके धमकी दी गई थी। वो जो मुख्य किरदार बालक है वो पहले उन्हीं का नौकरी किया करता था। कुछ समय पहले कुछ छोटी मोटी सामान उनके यहाँ से उठाया होगा, चोरी करी होगी, तो उन्होंने उसे वहाँ से हटा दिया था। उसी के द्वारा एकत्र किया गया था, वो और उसके तीन साथी उसमें शामिल थे। क्या कोई पहले भी कोई रिकॉर्ड था? हाँ, इसी विधि विरुद्ध बालक के द्वारा कुछ समय पूर्व ही एक घर में घुस करके लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की गई थी, उसमें भी आरोपी था। कितने लोगों में मामला दर्ज किया गया था? 3 लोग हैं अभी तक हमारे पास। कितने की फिरौती मांगी गई सर? लगभग 50,000 रुपये उन्होंने उनसे मांगे। क्या बोला था सर फोन पर? कि रुपए दीजिए नहीं तो आपका आहत कर देंगे, आपकी तो हमने कर दिया।